अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो इस व्लॉग में मैंने आपको बहुत सारे सवालों का जवाब दिया है जो कि आपने मुझसे बहुत पहले पूछा था, एंड बहुत सारे सवाल आते रहते हैं मेरे बारे में जिसका जवाब मैंने पहले कभी नहीं दिया था, वो सब मैं आपको बताऊँगी। एंड दूसरी चीज़, मैं बहुत अच्छी डिश बनाने वाली हूँ अपने हिसाब से, तो वो आप ज़रूर से देखें ताकि आपको भी बनाना आ सके एंड आप भी उसको बना के खा सकें। एंड दूसरी चीज़ कि जो जो आपने पूछा था मुझसे, मैं उन सारे सवालों का इस ब्लॉग में जवाब दी हूँ, तो आप पूरा ज़रूर से देखिएगा। स्टार्ट करते हैं। सवाल तो बाद में बताऊँगी मैं आपको, पहले आप ये देखें। पता नहीं मैंने क्या किया है, किधर से किया है, मीन्स कि जिसमें जो लगा मैंने फिक्स कर दिया और ऑन कर दिया। खैर, पहला सवाल जो है वो मैं चलते चलते आपको बता रही हूँ। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है एंड सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि आपकी शादी कब होगी। तो देखिए, मैं अभी इतनी बड़ी नहीं हुई हूँ तो इसलिए अभी मेरी शादी नहीं हुई है। इंशाल्लाह से सबकी शादी होती है तो मेरी भी हो जाएगी, और जब होगी तो मैं आप सबको ज़रूर से बताऊँगी। और अब मैं क्या बना रही हूँ आप मुझे बिना देखे वीडियो में बताएं। नहीं, चीटिंग नहीं करनी है आपने, बिना देखे मुझे बताएं, अभी बताएं कमेंट में कि मैं क्या बना रही हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ धीरे धीरे बढ़ते हैं। हाँ, धीरे धीरे, एकदम धीरे। तो अब मैं आपको अपनी ब्रेकअप स्टोरी सुनाती हूँ। ऑब्वियसली ब्रेकअप स्टोरी जो होती है वो बहुत हर्टिंग होती है, लेकिन कोई और ब्रेकअप नहीं था, मेरी और मेरी बेस्ट फ्रेंड का ब्रेकअप था। ऑब्वियसली वो एक लड़की थी। आप लोग पूछते हैं ना कि मेरी कोई फ्रेंड क्यों नहीं है, तो मैं आपको आज रीज़न बताती हूँ। मेरी कोई फ्रेंड नहीं है, पहले बहुत सारी थी, बट जो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी ना, उसने कुछ बहुत गलत किया। अब मैं एग्जैक्टली तो नहीं बता सकती कि उसने क्या किया, लेकिन उसने जो है अपने और किसी फ्रेंड के साथ मिलकर कुछ बहुत ख़राब किया, जो पर्सनली मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट हो गई। मैं बहुत ज़्यादा, मुझे ख़राब लग गया एंड मुझसे ये चीज़ डाइजेस्ट बिल्कुल भी नहीं हुआ, एंड मैंने उसे हर जगह से ब्लॉक कर दिया। उसने कोशिश की लेकिन दिल से कोशिश नहीं की। खैर, मुझे ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं हैं जो किसी और के सामने उनके जैसे बन जाएं, क्योंकि यार तुम मेरी फ्रेंड हो तो तुम मेरे पीठ पीछे ऐसी हरकत कैसे कर सकती हो। एंड बस तभी से मेरी कोई फ्रेंड नहीं है। और मुझे माफ़ करिएगा, मैंने वॉइस ओवर किया है क्योंकि जो ओरिजिनल वॉइस है ना वो बहुत ज़्यादा शोर में आ रही है। आप लोग क्लियर बिल्कुल मेरी कहानी नहीं सुन पाते, इसलिए मैंने वॉइस ओवर किया है। एंड मुझे नहीं पता लिपसिंग मैच हो रही है कि नहीं, जो बात मैं वहाँ बोल रही हूँ वो यहाँ पे पहले बोल दे रही हूँ, एंड जो यहाँ पहले बोल रही हूँ वो वहाँ बाद में बोल रही हूँ। बट आप मेरी बात पर ध्यान दीजिए। और अम्मी कहती है ना कि जो होता है वो बहुत अच्छे के लिए होता है, तो अब मुझे वो सब वापस भी नहीं चाहिए, एंड वो तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं, नहीं नहीं नहीं। तो क्या आपकी बेस्ट फ्रेंड है? अगर है तो मुझे कमेंट में ज़रूर से बताएं कि आपकी फ्रेंडशिप कैसी है उसके साथ। तो अब और आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लोग पूछते हैं बहुत सारे कि आपकी एज क्या है, तो खैर मैं अभी जनवरी में ही 22 साल की हुई हूँ, मीन्स 22 की हुई हूँ मैं। ठीक है, फिर अब और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप क्या पढ़ाई करती हैं? ये तो बहुत सारे लोगों ने पूछा है, प्लीज़ बताइए। ठीक है, मैं बताती हूँ। तो मैं करती हूँ बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन इंग्लिश से, जिसमें ग्रेजुएशन प्लस पोस्ट ग्रेजुएशन बोथ है, थ्रू प्राइवेट इंस्टीट्यूट से करती हूँ मैं। और ये देखिए मेरा छोटू सा समोसा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको इतनी हदीस कैसे पता है? तो मैं ढूंढती हूँ, मैं पढ़ती हूँ, मैं समझती हूँ, और फिर मैं आप लोगों को भी बताती हूँ। एंड मेरा समोसा तैयार हो गया। खैर, मैं बहुत अच्छी कुक नहीं हूँ, मैं अभी खाना बनाना सीख रही हूँ। आई होप मैं अच्छा बनाने लग जाऊँ, अभी कोशिश कर रही हूँ बनाना। मैंने इस छोटे से वीडियो में आपके जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं उसका जवाब दिया है। आपको ये कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर से बताएं। अगर आप न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, एंड लाइक कॉमेंट एंड शेयर। एंड नेक्स्ट व्लॉग में क्या बनाऊँ आप मुझे बताएं।